ها لیکچر مونږه ستارت کړلو اوس بس تاسو سکرین پریزنت کوم هغه ته ګورئ چې ښکاری درته کنه ما ول سکرین تاسو ته ښکاری چا ها نو لیکچر نمبر 3 دا سلاید مولا تخکاری جی هلو دا مولا سلاید تخ جی نادر صاحب راغلی اچھا بس ٹھیک دی جی دا سکرین تاسو د ښکاری دی هغه ولا سلاید ولا اچھا اچھا چلو موږ کنٹینیو کوو خا دا لیکچر نمبر 3 دا چونکی د ګډ سټوډنټان دی هغه پښتو باندې نه پریږي نو هنکو سپیکر دی نو موږ کوشش کوو چې اردو کې خبرې وکړو کنه چې ټول به پوه شي آج جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 3 ہمارے ساتھ تو اس میں ہم پڑھیں گے سی پیچ اور اس میں تھیوریز ہم پڑھیں گے تین تھیوریز ہے کورس کانٹینٹ کے مطابق اس میں تو چھوٹے دیے ہیں تو اس میں میں نے بہت لمبے چوڑے سلائڈ تیار کیا ہے تقریباً 60 سلائڈ ہے تو اس میں ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ یہ تھیوریز جو دیے ہیں ٹھیک ہے وہ کس طرح ہے اور اس کی کیا جو ہے نا کنسیپٹ ہے تو وہ ڈیٹیل سے آج ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے نا ویئر اور براج کا ڈیزائننگ ہے وہ ہم اس سلائیڈ میں نہیں کر رہے بعد میں جو نیکسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم ویئر اور براج کی ڈیزائننگ بھی کریں گے تو آج جو لیکچر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کوشلا تیوری ہے اور ساتھ میں جو ہے نا لین تیوری ہے صحیح ہے تو یہ تیوریز ہم آج ڈسکس کریں گے تو سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہے سی پیچ سی پیچ کیا ہوتا ہے ڈیفینیشن سے تھوڑا سا ہٹ کر میں بات کروں گا ٹھیک ہے تو میں صرف آپ کو ایک کنسیپٹ دیتا ہوں باقی جو ہے نا آپ کے لیے آسان ہوگا لکھنے میں بھی اور ساتھ میں جو ہے نا یاد کرنے میں بھی تو میں اتنا بتاتا ہوں سی پیچ کا مطلب یہ ہے میری آواز تو کلیئر ہے میں نے تو لاؤڈ اسپیکر لگایا بھائی آپ کو کوئی موبائل میں مسئلہ ہوگا ابھی کلیئر آ رہا ہے اچھا دا ټول تاسو باندې ورځي کدا څه صرف تا ولا مطلب هلو اچھا نه دا واسه ټول تاسو باندې ورځي کدا صرف تا ولا مطلب جناب نادر صاحب دا ورٹیکلی چکم اوبو زمکا جذب کی دے پروسیس تے لے کی پرکولیشن اور دا زمکا چی اوبو الاو کی دا پورس میٹیریل مینز کی چکم اوبو الاو کی دے پراپرٹی تا پرمیبیلیٹی لے کی گی نو پرمیبیلیٹی چکم دا پرمیبیلیٹی جو ہے وہ پراپرٹی ہے
और जो आपके साथ जो परकुलेशन है वो आपके साथ क्या है, वो प्रोसेस है, ठीक है। अब हम आते हैं सीपेज की तरफ, कि सीपेज का मतलब क्या है। अब जमीन में जो होता है वो जमीन में सुराख होते हैं, हाल जो वाइल्ड होते हैं, सुराख जो होते हैं, मसंदार जो जमीन होता है जिसको हम परवियस सॉइल कहते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो सॉइल है उसकी दो टाइप्स है नॉर्मली, एक परवियस सॉइल होता है और एक इम्परवियस सॉइल होता है। परवियस सॉइल वो सॉइल होता है जो नमी को या पानी को जज़ब कर सकता है, उसको परवियस सॉइल कहा जाता है। और एक होता है इम्परवियस सॉइल, वो सॉइल जो जमीन वो जमीन जो या वो सॉइल जो पानी को अलाउ नहीं करता है उसको इम्परवियस सॉइल कहा जाता है, इसको गैर जाजिब सॉइल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इम्परवियस की नहीं बल्कि परवियस की, कि वो सॉइल जो पानी को अलाउ करता है, यानी अपने अंदर पानी को अलाउ करता है कि उसमें से पानी पास आउट हो जाए। तो उसमें जब पानी पास आउट होता है तो इस तरह इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं। अब ये हर जमीन में मुख्तलिफ किस्म का होता है, बाज जमीन जो होता है वो ज्यादा पानी को अलाउ करता है, बाज जमीन जो होता है वो कम पानी को अलाउ करता है। तो ये जमीन की जो सॉइल है उसकी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह हमारे साथ जो रेतीली जमीन होती है, रॉक जमीन होते हैं, वो ज्यादा पानी को अलाउ करते हैं क्योंकि उनके दरमियान स्पेसिस ज्यादा होते हैं। और जो हमारे साथ सिल्टी जमीन होती है वो ज्यादा, यानी जो क्लोज जमीन स्मॉल पार्टिकल जिनके होते हैं वो ज्यादा पानी को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो भाई मैं क्या कर लूँ, यही आवाज है ना, तो मैं चेंज तो नहीं कर सकता अपने लिए, ठीक है। तो भाई नेट का मसला है, तो अभी मैंने दूसरा क्लास भी लिया तो उसमें कोई मसला नहीं था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे सही होगा। अब तो पता नहीं क्यों नहीं सही आ रहा है, अभी साइड पे भी आ गए, ओपन स्पेस है, ओपन एटमोसफेयर के तो काम नहीं कर रहे, तो क्या मसला है। अभी क्लियर हो गया, तो वो तो मसला करता है ना, अभी ये तो ओपन क्लास एटमॉस्फेरिक नहीं है कि हम जो है ना बिल्कुल क्लियर आवाज़ में बात कर लिए, तो इंटरनेट सिस्टम है, कभी जो है ना ड्रॉप हो जाता है सिग्नल, कभी अप हो जाता है, तो अब गुजारा करेंगे इसके साथ, इसका कोई दूसरा हल है ही नहीं। तो बात करते हैं सीपेज की, तो सीपेज इज दी स्लो एस्केप ऑफ अ लिक्विड आर गैस थ्रू पोरस मटीरियल आर स्मॉल होल्स। ये कह रहे कि सीपेज जो होता है वो स्लो एस्केप होता है, यानी स्लो पानी जो है ना इसमें मूवमेंट करता है या उसमें पास आउट होता है, ठीक है। गैस भी पास आउट हो सकता है, पानी भी पास आउट हो सकता है, या कोई भी लिक्विड हो, सिर्फ पानी की हम बात नहीं करें, कोई भी लिक्विड हो वो अगर उन स्मॉल होल से पास आउट हो जाए तो इसको हम कहते हैं सीपेज, ठीक है। अब सीपेज की फेनामिना को हम क्यों पढ़ते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सीपेज के ऊपर है, सीपेज थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, इसमें तीन थ्योरीज है जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो सीपेज को आप ध्यान से सुने इसकी डिफिनीशन को, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, इसके बाद फिर आगे हम मूवमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, सीपेज इज वन ऑफ दी एप्लीकेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक, दी एम्स ऑफ स्टडीइंग सीपेज इन सिविल इंजीनियरिंग आर। सीपेज का क्या मकसद है, क्यों हम डिस्कस करते हैं, और उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, और उसकी कौन कौन से पॉइंट है, उसकी क्या मकासद है, तो वो ये तीन नीचे दिए गए हैं। टू फाइंड दी डिस्चार्ज ऑफ सीपेज थ्रू एंड बीनीथ दी स्ट्रक्चर। बीनीथ का मतलब है जो बॉटम होता है स्ट्रक्चर का, जिस तरह डैम होता है, डैम के नीचे जो क्रीप होता है जहाँ से पानी पास आउट होता है, जिसको हम क्रीप लेंथ कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। तो उसमें से कितना पानी पास आउट होता है, पास आउट का मतलब डिस्चार्ज, कितना पानी डिस्चार्ज होता है, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। पहला मकसद इसका ये हो गया कि स्ट्रक्चर के नीचे से कितना पानी पास आउट होता है, ठीक है। दूसरा मकसद ये हो गया टू फाइंड अपलिफ्ट प्रेशर अंडर द स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह आपको ये ग्रेविटी डैम नज़र आ रहा है, इसकी नीचे से जब ये पानी पास आउट होता है तो ये एक लाइन बना लेता है, ठीक है। इस लाइन को हम स्ट्रीम लाइन या फ्लोनेट कहते हैं। तो ये जब नीचे से ये पानी पास आउट होता है, तो इस पानी पास आउट होने के साथ साथ जो ज़मीन के जो पार्टिकल्स है स्मॉल स्मॉल, वो भी अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है, इस इंड पॉइंट तक,
अब जब यहाँ तक ये पहुंच जाता है तो ये जगह खाली बन जाता है, तो यहाँ पे एक लाइन बन जाता है जिसको हम अंडरमाइनिंग कहते हैं टेक्निकल जबान में। ये आगे आएगा अंडरमाइनिंग क्या होता है। तो ये पाइप जब बन जाता है तो ये एक प्रॉपर एक नेट बन जाता है, एक सुराख बन जाता है। तो इससे फिर ये पानी क्या हो जाता है, इंटर होता है, यहाँ से एग्जिट होता है। और ये आहिस्ता 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 यहाँ से नीचे से ये जो ज़मीन होता है ये खाली हो जाता है और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, हवा में कड़ा हो जाता है। तो इससे स्ट्रक्चर अपलिफ्ट, नीचे से जो प्रेशर होता है उस नीचे से प्रेशर, पानी के प्रेशर की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अपलिफ्ट हो सकता है, यानी ऊपर की तरफ जा सकता है, जिससे स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। नंबर तीन जो है, टू फाइंड सोल्यूशन आर फाउंडेशन एंड पाइप पाइपिंग फेलियर। जो ये मैंने बताया कि ये जो खाली खाली जगह बन जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, पाइपिंग फेलियर। एक पाइपिंग फेलियर हो गया और दूसरा हमारे साथ क्या हो गया, अपलिफ्ट प्रेशर हो गया। पाइपिंग फेलियर को हम अंडरमाइनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आएगा, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट जो है हमारे साथ सीपेज थ्योरीज है, तो सीपेज थ्योरीज जो है वो नीचे हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में। ये बता रहे हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आइदर बी फाउंडेड ऑन इन इम्परवियस, परवियस और इम्परवियस के बारे में मैंने आपको बताया कि परवियस उस सॉइल को हम कहते हैं जो पानी को अलाउ करता है, और इम्परवियस उस सॉइल को हम कहते हैं जो पानी को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं इन इम्परवियस सॉइल या सॉलिड रॉक फाउंडेशन आर इन परवियस फाउंडेशन, जो परवियस फाउंडेशन होता है या इम्परवियस फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर हम डैम बनाते हैं। अब आगे क्या है, वेन एवर सच अ स्ट्रक्चर इज फाउंडेड ऑन परवियस फाउंडेशन इट इज सब्जेक्ट टू सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द स्ट्रक्चर इन एडिशन टू ऑल अदर फोर्सेस। जब जब कभी हम एक अगर स्ट्रक्चर बनाए किस जमीन के ऊपर, परवियस जमीन के ऊपर, परवियस फाउंडेशन के ऊपर, तो उसके नीचे से बीनीथ से पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब पानी फ्लो करेगा तो इसके नीचे मुख्तलिफ किस्म के फोर्सेस एग्जर्ट करेंगे, पैदा होंगे। ठीक है, जो इसको स्लाइड भी कर पाएंगे स्ट्रक्चर को, इसको अपलिफ्ट भी कर पाएंगे और इसको रोटेशन भी देंगे, वो फोर्सेस हम आज डिस्कस करेंगे। अब इस डायग्राम में अगर आप देख ले, जो स्केमेटिक डायग्राम हमारे साथ है डैम का, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं U/S, U/S का मतलब है अपस्ट्रीम साइट ऑफ द डैम, और यहाँ पे लिखते हैं DS, DS का मतलब है डाउनस्ट्रीम साइट ऑफ द डैम, और यहाँ से टिल वाटर होता है। टिल वाटर का मतलब क्या है कि यहाँ से जब पानी इंटर करता है, ये एप्रन होता है, ठीक है, एप्रन कहते हैं इसको, यहाँ से जब पानी इंटर करता है तो ये एक रास्ता बना लेता है। इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं, और इसकी लेंथ को हम क्रीप लेंथ का कहते हैं। ठीक है, काइंडली कोशिश किया करें कि पर्सनल व्हाट्सएप पे आप कॉल ना करें। ये देखो ये भाई कर रहा है, कोई मसला है पता नहीं इसको, ये क्या मसला है, आवाज इसको नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये अमीर साहब बार बार इशारे कर रहे हैं, ये पता नहीं एहसानुल्लाह साहब है, कौन है एहसानुल्लाह साहब, आप माइक ऑन कर दे तो आप कि आवाज मुझे पहुंचेगी, फिर आपका जो भी मसला है तो हम हल करेंगे। क्या मसला है आपको जी एहसानुल्लाह साहब? एहसानुल्लाह साहब आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, आपको क्या मसला है, कोई मसला है, कोई इशू है, आप मुझे बताएं। ये माइक आप ऑन कर दे तो आपको मेरी आवाज पहुंचेगी, आप कान ना कर ले, आप आवाज अपनी माइक ऑन कर दे। दानूर तो आवाज क्लियर रोज दीजिए आप। खादा अमीर से पता ना सबसे मसला था, नो दा आवाज दो तना उर्जी अकबल माइक की माफ कराए दा, मैं बार बार कालू ना की। पता नहीं चलो मुखबल का स्लाइड पर कंटिन्यू को। तो ये हमारे साथ वही डैम है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम साइड हो गया और इसका ये डाउनस्ट्रीम साइड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे आगे जाएंगे, इसकी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। थ्योरी में जो है ना, सीपेज थ्योरीज में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले चीज जो है वो पाइपिंग है, या आल्सो कॉल्ड अंडरमाइनिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया
कि एक को पाइपिंग को हम अंडरमाइनिंग भी कह सकते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट अपलिफ्ट। अपलिफ्ट डायरेक्ट अपलिफ्ट फोर्स कौन सा होता है और पाइपिंग कौन सा होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आगे समझाता हूँ यहाँ पे इस डायग्राम में, ताकि आपको क्लियर हो जाए आगे से। पहले नंबर पे जो हमारे साथ है पाइपिंग है। पाइपिंग का मतलब ये, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपस्ट्रीम साइड पे जब पानी एंटर हो जाता है तो यहाँ से ये पानी एक रास्ता बना लेता है जिसको हम फ्लो नेट कहते हैं। ये जब रास्ता ये बना लेता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करता है, ये पानी आगे जाता है स्ट्रक्चर के नीचे से और यहाँ तक ये खारिज होता है। तो ये जो रास्ता उसने बनाया ना, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, पाइपिंग कहते हैं, क्योंकि ये पाइप की तरह एक पानी इसमें फ्लो होता है, ये स्ट्रक्चर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। दूसरा जो है ना डायरेक्ट अपलिफ्ट प्रेशर है। डायरेक्ट अपलिफ्ट प्रेशर का मतलब क्या है कि ये जब पाइपिंग बन गया ना तो इसके नीचे ऑलरेडी पानी मौजूद हो गया, अब ये पानी जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाता है, जिस तरह हम आगे पढ़ेंगे एग्जिट ग्रेडिएंट और क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट, उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो ये नीचे से जब ऊपर तक पानी प्रेशर लगाता है तो इस प्रेशर से ये डैम जो होता है या जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, अपलिफ्ट हो जाता है, यानी नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये भी काफी खतरनाक होता है। तो ये दो चीजें जो है सीपेज में, सीपेज की वजह से ये दो चीजें होते हैं, ये जो हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। अगर आप थोड़ा सा देख ले मिनट, हाँ यही है पाइपिंग, मैंने बता दिया, इसको अंडरमाइनिंग भी कहते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट अपलिफ्ट। अब नेक्स्ट जो है फेलियर बाय पाइपिंग। अब पाइपिंग किस तरह होता है, जिस तरह अगर आप इस डायग्राम को देख लेना तो आपको क्लियर कट ए टू जेड सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यही वही डैम है, इसका ये अपस्ट्रीम साइड है और ये डाउनस्ट्रीम साइड है। यहाँ से पानी एंटर हुआ तो यहाँ से उसने क्या बनाया, वही पाइपिंग बनाया, और यहाँ से एग्जिट हुआ। आप अगर क्लियर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एरो के निशान जो नजर आ रहा है आपको, ये वही फ्लो शो कर रहा है पानी की, कि ये नीचे से ये फ्लो हो रहा है और यहाँ पे ये एग्जिट हो रहा है। इसको हम कहते हैं पाइपिंग या अंडरमाइनिंग इसको कहते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है एक डैम को फेल करने में, ठीक है। ये हो गया, अब यही थ्योरी जो है ना इसका मतलब यही है। अब इस थ्योरी को रीड करेंगे तो इसका मतलब यही होगा। नेक्स्ट जो है दूसरा फेलियर बाय डायरेक्ट अपलिफ्ट। डायरेक्ट अपलिफ्ट का मतलब क्या है कि नीचे से जब ये पानी पास आउट हो गया तो नीचे से ये जो एरो एरो के निशान आपको अगर नजर आ रहा है तो ये नीचे से ये स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्स लगा रहा है जो अप करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर हीवी हो तो ये अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, ये भी सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फेलियर बाय डायरेक्ट अपलिफ्ट। अब ये दो चीजें तो हो गए, आगे हमारे साथ तीन थ्योरीज है वो हम डिस्कस करेंगे। सीपेज थ्योरीज, जनरली देयर आर थ्री सीपेज थ्योरीज। पहला है ब्लाइट क्रीप थ्योरी है, दूसरा है लैन वेटेड क्रीप थ्योरी है, और तीसरा जो हमारे साथ है वो कोशला थ्योरी है, ठीक है। ये एक इंडियन जो है ना इंजीनियर था जिसने सन 1935 में ये थ्योरी जो है ना एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। पहले ये इन दो थ्योरी के ऊपर डिजाइन होते थे, वेयर जो होता था या बिराज का डिजाइनिंग जब हम करते थे तो या ब्लाइट क्रीप थ्योरी के जरिए करते थे या लैन वेटेड क्रीप थ्योरी के जरिए करते थे। बाद में जब देखा गया तो 200 या 300 तकरीबन 200 से 300 बिराज या वेयर की डिजाइन हो गए थे, वो सारे फेल हो गए थे, उसमें यही दो फेनामेने आ रहे थे। तो जो इंडियन इंजीनियर था, ठीक है, तो उसने फिर एक थ्योरी पेश की, वो थ्योरी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे डिटेल है उसकी। फिर उस इंडियन थ्योरी के बेस पे बाकी जो डिजाइन है डिजाइन थे वो बैराज के और साथ में जो है ना वियर के, वो फिर से हो गए, शुरू हो गए, ठीक है। तो ये लास्ट थ्योरी थी, ये मॉडिफिकेशन इसकी, ठीक है। कोशला थ्योरी जो है ये मॉडिफिकेशन है ब्लाइट और लीन, इन दोनों में तो लाइट बेट जो है ना इसमें डिफरेंस है, और ये जो थर्ड वाला है ये काफ़ी जो है ना डिफरेंट है इन दोनों से। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसका थीम मैं आपको बताऊंगा, समरी बताऊंगा, बाकी जो है ना आप खुद इसके ऊपर लिख सकते हैं। पहला है ब्लाइट क्रीप थ्योरी। ब्लाइट की जो क्रीप थ्योरी है वो ये कह रहा है कि इसकी डायग्राम अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ तो आपको ये डायग्राम के जरिए, अच्छा ये हमारे साथ एक स्ट्रक्चर है, वही वेयर है या डैम है या जो भी
स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम फाइलिंग कर दे, फाइलिंग मीन डीप फाउंडेशन कर दे, ये एक है, ठीक है। और दूसरा जिसको उसने D1 का नाम दिया है, ठीक है। दूसरा जो है ना, अगर यहाँ पे भी फाइलिंग कर दे और यहाँ पे भी फाइलिंग कर दे, अब इन फाइलिंग फाइल की जो मैं नाम आपको बताता हूँ, इसको उसने इनिशियल नाम दिया और इसको इंटरमीडिएट नाम दिया और इसको फाइनल नाम दे दिया, ठीक है। ब्राइट ने ये थ्योरी पेश की थी, पहली जो थ्योरी है, अगर आप थोड़ा सा देख ले स्लाइड में, ये ब्लाइट जो थ्योरी है, ठीक है, ब्लाइट क्रीप थ्योरी। ब्लाइट ने ये थ्योरी दी थी कि इसमें से जो सिपेज होगा, यहाँ से अगर पानी इंटर कर ले ये अपस्ट्रीम साइड से, तो ये इस वियर से इसी तरह आएगा, फिर नीचे से इस तरह, फिर ये ऊपर, फिर ये पाथ हॉरिजॉन्टल पाथ, फिर ये वर्टिकल, यानी ये इस कट ऑफ या इस फाइल के साथ साथ ही फ्लो करेगा। और इसको इसने नाम दिया था क्रीप लेंथ, ठीक है। तो फिर आगे L2 होगा, फिर इस तरह D3, फिर D3। अब थोड़ा सा इक्वेशन से मैं आपको समझाता हूँ कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। इसका फार्मूला टोटल लेंथ अगर ये आपने निकालना हो, क्रीप लेंथ निकालना हो, तो क्या होगा, L विच इज इक्वल टू D1 प्लस D1। दो दफा D1 लेकर, क्यों, ये D1 फाइल है और ये D2 फाइल है और ये D3 फाइल है, ये इनिशियल फाइल भी इसको हम कह सकते हैं, इंटरमीडिएट फाइल है और ये आपके साथ फाइनल फाइल है, लास्ट फाइल जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। D1 ये एक दफा होगा यहाँ से यहाँ तक D1, फिर नीचे से जब ऊपर जाएगा फिर D1 होगा, तो D1 कितनी दफा है, दो दफा। फिर यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू फाइल्स वो कितना है, L1 है, फिर L1 उसने लिख दिया। फिर ऊपर से नीचे की तरफ जब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको हमने नाम दिया D2 और D2, तो ये D2 प्लस D2 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर इन दो फाइलों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, L2 है, तो ये L2 हो जाएगा इसी तरह। और साथ में ये क्या है, ये D3 है, तो ये D3 एक दफ़ा, फिर ये दूसरी दफ़ा, फिर यहाँ से ये पानी एग्जिट हो जाएगा। ये किसने ये थ्योरी दी थी, ये ब्लाइट क्रीप थ्योरी है कि अगर पानी एक अपस्ट्रीम साइड से एंटर करेगा तो वो जो कट ऑफ है या फाइल है इसके अलोंग हरकत करेगा, और इसका जो फार्मूला होगा वो यही होगा। तो ये इन सारी थ्योरी का मतलब ये है, जो ये थ्योरी दिया गया है, इस थ्योरी का मतलब यही है, ठीक है। इसका समरी मैंने बताया आपको, ठीक है। आगे जो है ना, इस फार्मूले को उसने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई किस तरह किया है, ये L1 है और ये भी L1 है, इसको उसने इस साइड पर अलग कर दिया, L1 प्लस L1, ठीक है, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई बाय D1 प्लस D2 और D3। D1 को भी दो दफ़ा लिख दिया, D2 को भी दो दफ़ा लिख दिया और D3 को भी दो दफ़ा लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये दो दफ़ा है, D1 और D1, D2 D3 और D3। तो इसको जब आप हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी L1 प्लस L2, ये L1 और ये L2, ये टोटल किसके बराबर है, B के बराबर है, तो हम L1 और L2 की जगह पे B लिख सकते हैं, और फिर प्लस 2 और D1 प्लस D2 फिर D3। तो आगे क्या है देखते हैं, आगे ये, हाँ आगे इसका ये लास्ट फार्मूला बन जाएगा। यही फार्मूला अगर हमने ये क्रीप लेंथ निकालना हो, जहाँ से ये पानी सीप कर रहा है और यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, यानी A जो है ना उसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ये एंट्री करेगा, और B जो है ये इसका एग्जिट पॉइंट है, अगर ये लेंथ हमने निकालना हो तो इस फार्मूले के जरिए हम निकालेंगे। सिंपल बात यही है, ठीक है। अब आगे जो है ना, उसने कहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से तो आप खबर होंगे, लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिसको पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल लाइन जिसको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे साथ ये एक पाइप है, एज्यूम कर दे एक पाइप है, और इसका ये एक कॉर्नर है और इसका ये दूसरा कॉर्नर है, और ये ग्राउंड लेवल से है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये पाइप पड़ा हुआ है, तो ये ग्राउंड लेवल से ये पाइप के सेंटर तक जो हाइट है, इसको हमने जेड का नाम दे दिया, एलिवेशन, ठीक है, हेड, और ये बॉटम इसका, इसको हमने डेटम लाइन कह दिया या रेफरेंस लाइन आप कह सकते हैं, इसको हमने Z1 से जाहिर कर दिया। फिर इसके सेंटर से लेकर ऊपर तक जितना तक पानी चढ़ता है, इसमें हमने एक ट्यूब लगा दिया, जितने तक पानी चढ़ रहा है उसको हमने दूसरे हेड का नाम दे दिया, ठीक है, उस
हेड का जो हमने फार्मूला लिख दिया वो हमने लिख दिया एच इज इक्वल टू रो जी डिवाइड बाय एच, वही जो प्रेशर का फार्मूला है। और फिर ऊपर जो है ना इस हेड से ऊपर जो वेलोसिटी हेड है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2gh डिवाइड बाय l के बराबर जो है वो लिख दिया। तो बॉटम से इस ऊपर तक इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर वन में ये टोटल जो हेड हुआ, और इसी तरह इधर भी एक सेक्शन काट दिया, इसी तरह इधर भी एक हेड हुआ। तो ये हेड और ये हेड दोनों को जो मिलाने वाली ऊपर लाइन है इसको हमने टोटल एनर्जी लाइन का नाम दे दिया। और इसके नीचे से वेलोसिटी हेड सिर्फ माइनस कर दिया इधर से भी और इधर से भी। अब वेलोसिटी हेड के बॉटम से और इस वेलोसिटी हेड के बॉटम से इस लाइन को जो हमने मिला दिया, इस एनर्जी लाइन को, सॉरी इमेजिनरी लाइन को, इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की डिफिनेशन है, थोड़ा सा मैथमेटिकली है तो आपको हो सकता है इधर समझ ना आया हो, लेकिन वेलोसिटी हेड अगर सिर्फ निकाल दे एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी, जो दोनों पॉइंट को मैच करेगा उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहेंगे। ठीक, अब इस फार्मूले को अगर आप देखें, हेड लॉसेस अगर हमने मालूम करना हो, हेड लॉसेस पर यूनिट लेंथ और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मालूम करना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जो फार्मूला है इसका वो किसके बराबर होगा, ये तो लंबा चौड़ा फार्मूला है, मैं बताता हूँ, फिर इसको आप खुद लिख सकते हैं। एच एल डिवाइड बाय एल के बराबर होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एच जी जो बराबर होगा एच एल डिवाइड बाय एल। एच एल क्या है, हाइड्रोलिक लेंथ है, ठीक है, और एल क्या है, लेंथ, टोटल लेंथ जो अभी हमने फाइंड कर दिया यही लेंथ है, तो इसके नीचे यही लेंथ लिख दे सिंप्लीफाई फॉर्म में जो ये है। और एच एल तो वैसे भी हाइड्रोलिक लेंथ है और विच इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। तो ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आप वियर और जब बिराज की डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए ये फार्मूला। अब नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग ऑन आर या अंडरमाइनिंग। अगर हमने एक स्ट्रक्चर को, हमारे साथ जो स्ट्रक्चर है डैम है, उसको हमने सेफ बनाना हो अंडरमाइनिंग से, पाइपिंग से सेफ बनाना हो, तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ, ठीक है, वो फार्मूला उसका क्या है कि हमारे साथ 1/c ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, एच एल डिवाइड बाय एल के बराबर होना चाहिए। यानी 1/c, 1/c क्या, 1 तो कांस्टेंट है, सी कोफिशेंट वैल्यू है, क्या वैल्यू है, कोफिशेंट वैल्यू है, तो वही कोफिशेंट वैल्यू को 1 को हम कोफिशेंट वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे, उससे जो जवाब आए वो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए एच एल डिवाइड बाय एल से। एच एल क्या है, हाइड्रोलिक लेंथ है डिवाइड बाय टोटल लेंथ से। एच एल डिवाइड बाय एल टोटल किसके बराबर है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर है, वो ऑलरेडी हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला। तो इधर आप देख सकते हैं इसमें कि अगर हमने फाइन सेंड में अगर हमने डैम बनाना हो, ठीक है, तो उस जगह में हमारे साथ वैल्यू ऑफ सी कितना होना चाहिए, 15, ठीक है, और सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी लेस देन, इससे कम होना चाहिए, 1/15 से इसका वैल्यू कम होना चाहिए। अगर कोर्स ग्रेन सेंड में बनाना है तो 1/12 से कम होना चाहिए। अगर सेंड मिक्स्ड विद बोल्डर एंड ग्रेवल और फॉर लूम सॉइल के लिए बनाना हो तो 1/15 टू 1/19 के दरमियान होना चाहिए। और लाइट सेंड के लिए अगर हमने बनाना हो तो 1/8 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इसके कॉम्पोनेंट्स जो है ना थ्योरी के। अब नेक्स्ट हमारे साथ है, ये तो हमने सेफ्टी अगेंस्ट अंडरमाइनिंग के लिए की, अब दूसरा है सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर, क्योंकि हमने दो चीज़ें ऊपर एक्सप्लेन किए, तो दूसरा जो है सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर के लिए सिंपली बात यह है कि आप ये वाला नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ये प्रूफ है, आप इसको जो है ना देख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल इस तरह नहीं है, स्लाइड में सारी चीज़ें गिवन है, अपलिफ्ट प्रेशर भी दिया है, उसको उसने किससे जाहिर किया है, गेमा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। गेमा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ठीक है, ये सबको पता है, सॉइल मैकेनिक में भी ये चीज़ इस्तेमाल होता है। और एच प्राइम है, एच प्राइम आपके साथ क्या है, वो भी ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया गया है, एच प्राइम आपके साथ है ऑर्डिनेट ऑफ दी एच जी, एच जी मीन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की ऑर्डिनेट है, यानी पीक पॉइंट है उसकी, कहाँ से, लाइन अबव द टॉप ऑफ द फ्लोर, टॉप ऑफ द फ्लोर से, ठीक है। और बाकी जो है ना गेमा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय टी, कहाँ से आया, डाउन वर्ड प्रेशर जो है उसके लिए यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, और अप प्रेशर के लिए अप
वाटर प्रेशर जो है उसके लिए गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच ओनली इस्तेमाल किया जाता है। जी क्या है आपके साथ, जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लोर मटीरियल, जो भी फ्लोर मटीरियल आपने इस्तेमाल किया हो, अगर एग्रीगेट इस्तेमाल किया तो 2.6 है, ठीक है, या कोई भी मटेरियल आपने इस्तेमाल किया तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप इधर पुट कर सकते हैं। बाकी यही फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर के, कि अगर आपने चेक करना हो कि मेरा स्ट्रक्चर सेफ है किसके अगेन, अपलिफ्ट प्रेशर के अगेन, ठीक है, तो आप इस फार्मूले को लागू कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आपने नहीं लिखना है, सिर्फ टी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई जी माइनस वन, एच वाई हेट जी स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस वन, इससे आपके साथ थिकनेस ऑफ कंक्रीट आएगा जो आपने फाइंड किया, अगर उसके इक्वल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप दोबारा रिपीट करेंगे डिजाइनिंग, ठीक है। अच्छा, आवाज आपको आ रही है, कोई मसला तो नहीं है नादिर साहब? अच्छा अच्छा, कोई मुश्किल मुश्किल तो नहीं है, ये थ्योरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो कोर्स कंटेंट में दिया था तो इसलिए हम बोर्ड पे थोड़ा सा ये अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये स्लाइड है तो इसमें पता नहीं चलता है, तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ जो है ना अच्छी से अच्छी नॉलेज शेयर करें और मैक्सिमम नॉलेज शेयर करें। बहरहाल अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी है, एक हमने पढ़ी, पहली कौन सी थ्योरी थी, क्रीप थ्योरी थी, यानी हमारे साथ जो पहली थ्योरी थी वो हमने रीड कर दी, ठीक है, ब्लाइट क्रीप थ्योरी थी। अब दूसरी जो है वो लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी है, इसमें सिर्फ फर्क ये है, फर्क सिर्फ ये है कि जो ब्लाइट क्रीप थ्योरी थी उसने ये कहा था कि जो हॉरिजेंटल लेंथ है वो भी मैटर करता है और जो वर्टिकल लेंथ है सी पिच का वो भी मैटर करता है, यानी दोनों, थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम जरिए समझाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ब्लाइट ने जो कहा था वो ये कहा था कि उसने ये भी इंक्लूड किया था वर्टिकल और साथ में हॉरिजेंटल लेंथ भी इंक्लूड किया था, लेकिन जो लेन वेटेड है उसने कहा कि नहीं भाई इस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है, इसमें उसने सिर्फ एक चीज इंक्लूड कर दिया कि भाई वर्टिकल तो आपने सही किया कि वर्टिकल वही ठीक है वही पात फॉलो करता है, लेकिन हॉरिजेंटल में वो क्या जो दूसरा है जिसको हमने लेंस का नाम दिया है, लेंस जो क्रीप थ्योरी है अभी हम डिस्कस करें, इसमें फर्क सिर्फ ये है कि उसने एक चीज ऐड कर दिया कि जो लेंथ है उनको 1/3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे अगर आप लेंथ देखें ना तो ये टोटल लेंथ, अगर ये क्रीप लेंथ हमने फाइंड करना हो तो हम वही डी वन और डी वन दो दफा लिख दिया, प्लस अब लेंथ जो पहली थ्योरी थी क्रीप लेंथ, क्रीप की जो थ्योरी थी ठीक है ब्लाइट क्रीप थ्योरी थी उसमें हमने सिर्फ ये एल वन लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो अगर आप देख ले तो 1/3 फैक्टर है, तो उसने जो दूसरा साइंसदान है जिसका नाम है लीन्स क्रीप थ्योरी जो जिसकी है, उसने कहा कि नहीं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी वर्टिकली तो तेज मोशन करता है सीपेज, लेकिन हॉरिजॉन्टली जो है ना तेज मोशन नहीं करता है, वो 1/3 टाइम उसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो यही चेंजिंग की वजह से जो थ्योरी कहलाई उसको नाम दिया लीन्स क्रीप थ्योरी, ठीक है। फर्क सिर्फ ये हुआ कि ब्लाइट ने यह कहा था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वल तरीके से जो है ना ये सीपेज जाता है नीचे से फ्लो करता है, लेकिन लेन ने कहा कि नहीं, कुछ टाइम के बाद जब उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने कहा कि नहीं ऊपर से तो ये सेम है, ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये इसकी मूवमेंट क्या है वो स्लो हो जाती है, ठीक है 1/3 टाइम स्लो हो जाती है, तो ये जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था मैंने समझा दिया, बाकी वही सेम फार्मूले सेम चीजें हैं, तो आगे हम जाएंगे, ठीक है। ये स्लाइड काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें 60 जो है ना पेजेस है, 60 स्लाइड है, तो यही थ्योरी है, यही फार्मूले है, यही डिटेल है, एग्जाम्पल भी उसने दिया है, ठीक है आप देख सकते हैं यूजिंग ब्लाइट क्रीप थ्योरी वही है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है वो कोचला थ्योरी है, कोचला थ्योरी कब जो है ना सामने आई, कोचला एक इंजीनियर था इंडियन, ठीक है, तो उसने जब देखा कि कई सारे जो डिज़ाइन हुए थे बेराज की और वियर की, तो वो डिज़ाइनिंग जो है ना कारामत साबित नहीं हुए, यानी उसमें सीपेज का फिनोमेना सामने आया, तो उसने जब उसकी जो टीम थी ठीक है तो उसने ये तजिया किया कि जो क्रीप थ्योरी है जो लीन्स थ्योरी है इसमें कोई मुश्किल है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन हमने करना होगा तब ये सही होगा, तो उसने कुछ
अपनी थ्योरी पेश कर दी। वो अपनी थ्योरी क्या है वो थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि वो अपनी थ्योरी इसकी क्या है। इसकी शॉर्टकट मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने रीड किया है तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी शॉर्टकट बताता हूँ कि इसकी क्या डिटेल है ये डायग्राम से, ठीक है। अच्छा ये है, इसमें है उसने दो चीज़ें यहाँ पे लिया है, एक स्ट्रीम लाइन लिया है और एक इक्विपोटेंशियल लाइन लिया है। अब स्ट्रीम लाइन क्या है और इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है? स्ट्रीम लाइन पहले मैं आपको समझा तो इस डायग्राम में स्ट्रीम लाइन वो लाइन होता है, फॉर एग्जांपल ये पानी है, ठीक है, इस पानी का जो सरफेस का जो टॉप लाइन होता है जिसको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं, ठीक है, ये जब ये लाइन जो है ये पानी जब फ्लो करता है तो ये पानी का जो पार्टिकल है इसके एक पार्टिकल के बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर आप टेंजेंट ले लें, ठीक है, टेंजेंट ले लें तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो जिस तरफ होगी ना तो उसको हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन, ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन ये है यानी हर एक पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट लेंगे। और इसी तरह अगर इस जगह पे ले ले एक टेंजेंट, टेंजेंट मीन ममास ले ले, उर्दू में इसको ममास कहा जाता है, ममास ले ले, ठीक है, और उसकी जो है ना डायरेक्शन देके जिस साइड पे उसकी डायरेक्शन होगी ना तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी इस साइड पे है, ठीक है। दूसरी है इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी लाइन होती है? वो लाइन होती है जिसकी जो 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 एक लाइन है कोई भी लाइन है तो उसकी पैरेलल या एलॉन्ग इसके साथ जो है ना अगर आपके साथ वेलोसिटी फैक्टर क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन जीरो है, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, वही है जो है वही है, कोई भी लाइन है उसके साथ जो वेलोसिटी है पोटेंशियल जो वेलोसिटी है किसी भी टाइप की वेलोसिटी है, ठीक है, वो अगर जीरो है तो इट्स मीन के ये जो लाइन है आपके साथ ये कौन सा लाइन है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है। अब थोड़ा सा कौशल थ्योरी की मैं डिटेल बताता हूँ डायग्राम के नीचे अगर मैं जाऊं, हाँ ये है एग्जिट ग्रेडियंट है। अब और इसमें एक दूसरा टर्म आएगा जो इंपॉर्टेंट है वो क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है, ठीक है। एग्जिट ग्रेडियंट क्या है और क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट क्या है? एग्जिट ग्रेडियंट ये है कि यहाँ से जब ये पानी एक स्ट्रक्चर है वही अपस्ट्रीम या वही डाउनस्ट्रीम साइड है, ये इसके नीचे वही क्रीप लेंथ है, तो ये कह रहा है कि यहाँ से जब ये पानी जो एरो आपको नजर आ रहा है यहाँ से ये जब ये पानी फ्लो करता है और यहाँ से जब एग्जिट होता है तो कोशला ने यह बताया कि ये जब ये पानी यहाँ से एंटर होगा और यहाँ तक पहुंचेगा जब ये एग्जिट करेगा बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के साथ साथ जो पार्टिकल होंगे जो जरात होंगे मिट्टी के वो भी अपने साथ ले जाएंगे, वो भी क्या करेंगे वो भी अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। जब वो अपने साथ ले जाएंगे तो ये जगह खाली पड़ जाएगा, तो उसने सोचा कि हम इसको क्यों ना एक ऐसा ग्रेडियंट दे दें ताकि ये जरात अपनी जगह पे रिटेन हो जाए बल्कि ना निकले। तो रिटेन करने के लिए उसने जो स्लोप दिया उस स्लोप को एग्जिट ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है, ये एग्जिट ग्रेडियंट है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा हमारे साथ जो है वो क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है, ये भी इसी तरह है लेकिन इसमें एक जो है ना पॉइंट है। पॉइंट इसमें क्या है? इसमें पॉइंट ये है दिस एग्जिट ग्रेडियंट इज सेड टू बी अ क्रिटिकल व्हेन द अपवर्ड डिस्टर्बिंग फोर्स ऑन द ग्रेन इज जस्ट इक्वल टू द सबमर्ज वेट ऑफ द ग्रेन एट द एग्जिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे से जो प्रेशर लगता है, किसका प्रेशर? नीचे से पानी परकुलेट कर रहा है या पानी फ्लो कर रहा है, तो ये पानी का जो ऊपर प्रेशर लगता है और ऊपर जो साइल का प्रेशर, ये अगर दोनों बराबर हो जाए तो इट्स मीन कि क्रिटिकल ग्रेडियंट हमारे साथ क्या है, क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है। अगर ये इक्वल से कम हो तो ये सेफ साइड है, अगर इक्वल से ज्यादा हो जाए तो ये सेफ साइड नहीं है, अगर इक्वल हो तब भी ये क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब इसका यही है, ये कोशला थ्योरी है, ठीक है। बाकी इसकी यही डिटेल है, ये वही डिटेल जितनी बातें हमने की है तो वही ये डिटेल है, सी पेज थ्योरी है, ठीक है। तो ये इसकी डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग पार्ट चूंकि आप आज हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्लाइड बन जाएगा। तो ये था हमारे साथ जो है ना आज का लेक्चर, यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो बाकी जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो वियर का डिज़ाइन है, कोशला थ्योरी और क्रीप थ्योरी और साथ में जो है ना लेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइनिंग करेंगे वियर की और साथ में बेराज की, ठीक है। तो वो फिर इन तीन थ्योरी के मुताबिक हम करेंगे। अगर फिर किसी का
कोई मसला हो, कोई टेंशन हो तो मुझे आप बता सकते हैं। हाँ जी, अब बताएं, कौन सा कोई मसला हो, किसी का कोई इशू हो तो आप, कोई क्वेश्चन आपने करना हो तो आप कर सकते हैं। जी हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है जनाब? हाँ जी, दा पीडीएफ के सर शेयर कमा ओ दा लेक्चर चुकुम दा अलग डिटेल सर हो ओ डेर डिटेल दा देखे दा खुमा ता उस तरह का शॉर्टकट हुए लेका ना सिर्फ समराइजेशन में तो कर दा चे खपला रीड का देखे सर मे भी दिस पॉइंट नहीं ही चगा बने ता सुने पोए रोगा ब्याम ता सुपुख्ता ना कवाय शे ठीक दा ओ दा डेर इंपॉर्टेंट दा ओ देखे दा दरी थ्योरी मुताबिक बमगा दे वेयर और प्लस दे बिराज डिजाइनिंग को चूंकि दा ता सु कोर्स कंटेंट के द्वारा डिटेल सर ना दा اگر صرف لیکلی دی صرف ڈسکرائب ہے کئی دا دری تیوری نو دا کوم گچون کی ڈیٹیل سره وی دی سره ډیر شین نور دی لیمینار فلو دا ٹربولن فلو دا ٹھیک دا سٹیڈی فلو ان سٹیڈی فلو دا شین دی پکې نو هغه چون کی کورس کنٹینټ ایسا نه دا نو کبیا هم تاسو څه مسئلہ وی نو هغه بیا موږ ڈسکس کو په نیکسٹ سلاید کې او ڈیزائننګ چې کو یغه کې بدا شین به استعمالیږي نو دا انتهایی به ډیر ضروری دی چې دا تاسو ته زده کوي لشي دا ڈیزائننګ لغوه دی کمپلیکیټډ دا لټل بیټ जी 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 ना ना अगर बाजू को पूछे तो मुश्किल ना था करना डिजाइनिंग प्रोसीजर पर तो खैर हम दा फॉर्मूले दिए था कुमे फॉर्मूले चुको हम गा उस वे लेकर ना हम दा फॉर्मूले बम गा दोबारा बिया इस्तेमाल होता खुशता सो सिर्फ इनिशियल स्लाइड हुई चिता सुन पे पूछ लेकर ना خاده تاسو اٹینڈنس کوم تاسو یل چې مو اٹینڈنس صحیح صاحب ده کنه اغه اٹینڈنس دا غلخه د ګوګل میټ کې خپل خسته کیږي د ګوره تاسو اٹینڈنس مدل ته پیسټ کړلو دا کسان ما سره اویلیبل دي ٹھیک ده ما आवाज درځي جناب जी हाँ नादिर से ऐसा क्वेश्चन मेंशन नहीं कौन है अटेंडेंस दा का दा खा दा अलग मंदी वो गोरे दा गोरा अटेंडेंस दा गूगल मीट की दा फैसिलिटी दा चे दा अटेंडेंस पल रिकॉर्ड कई चोक चोरा टाइम पूरे موسرا میٹنگ کیو اغا خپل ریکارڈ کی دا زلک تاسو شو کوم چې تاسو کلیر شي دا ګور دا اٹینڈنس دی دا کوسچن مار چا سره راغلی دا د باقاعده لفټ شو بی دی بیا راغلی دی څوک او څوک فرست ټایم راغلی دی نو دا ته ګور محمد سویل طاهر عزیز کاشف وسیم زویب خو دې کې یو بل مسله دا جی تاسو یو شی زړه تکلیر کوم دا اکثر تاسو جیمیل آی ڈی چې کوم کلاو کړي دا غو په بدل نامه کلاو کړي دا لکه دا شپږم سمستر ولوس اٹینډنس ما خسته لو غولم دا مسله چې بدلی نه مې نو دی کې با هغه تاسو جیمیل آی ډی ولا نام راځي نو کایندلی کایندلی کوشش تا وکای ایز سون ایز پاسیبل چې دا خپل نام چې دا جیمیل آی ډی په خپل نامه باندې کوي چې تاسو اٹینډنس دلته کې به صحیح لګي صحیح ده جی صحیح ده نور خو جنید خان تلاین باندې हेलो जुनैद हाँ जुनैद खान बिल्कुल खामोश तो नहीं हाँ हाँ बस ठीक था जी बस बेहूस मसला था ना नो ठीक था ओके जी संगी जी عبید الرحمن شتا دا داغه دا دا سکرین در تخکاری دا دا عبید الرحمن شتا او دلتا که دا گوگل میت پاس دا خپلا خپلا ریکارد کی دیس راتین دیس را مونگ چه کار نشتا کنه مخی غمونگا زکو چه منوال مخاستل اونو زکو کار روست دیس را مونگ کار نشتا دا آل ری فری ریکاردنگ ویڈیو دا دا دو تسند کو دو بی خپلا پکی گوری کنه
بس هغه کېدای شي سافټویر کار نه کوي، کنه اکثره سافټویر مسله وي. صحیح ده جی، بس مهرباني د سلایډز ته چن کوم دي کې دا لاندې چې کوم ده کنه دا موږ سره پاتې شو. دا سلایډ ډېر ستر ده، لغوندې لاندې وګورئ کنه 34 پورې موږ آلریډي ریډ کړو. باقي چې کوم دا ده کنه دا د ویر اور براج ولا ډیزاین ده، اور دې څو کوم ټیبلیټډ فارم دي دا و موږ ډیزاینینګ کې استعمالو. څه فرمولې دي دا وی به استعمالو چې کله موږ دوی ولا ډیزاینینګ کوو. ٹھیک ده، دا ګوره دا ستر ده، دا زی پورې ده، څه 55 پیجز ده. نو دا تاسو خپل هم لغوندې ریډ کړئ ځان سره چې موږ د ویر ولا اور براج ولا ډیزاین کچھ به تاسو به پوهیږئ. اوکے جی، اوکے، السلام علیکم.